यूपी के मथुरा में जहां जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है, वहीं जमुनापुर क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का काम चरम पर है। विगत दिनों सीओ सदर गौरव त्रिपाठी को सूचना मिली थी कि थाना जमुनापार क्षेत्र के समीप खेतों से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा, जिसकी सूचना पर सीओ सदर मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां से दो ट्रैक्टर ट्राली और एक ट्रैक्टर जांच के दौरान मिले। आखिर जमुनापार पुलिस अवैध खनन करने वालों को कब तक बढ़ावा देती रहेगी और कब तक अवैध खनन करने वाले लोग प्रशासन को खुली चुनौती देते रहेंगे? योगी सरकार के बार बार आदेशों के बाद भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इनका मामला आया क्या है पूरा? हाँ, थाना जमुनापार में अवैध खनन के आरोप में वाहनों को पकड़ा गया है, जो थाने के आवश्यक कार्यवाही के लिए लाया गया है। अब इस संबंध में हम भी जांच कर रहे हैं और संबंधित विभाग से भी जांच करवा के यदि अवैध खनन पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी जाँच चल रही है। पता चला कहाँ से पड़े, कुल कितने वाहन पकड़े? जमुनापार क्षेत्र से ही खनन किया है और दो ट्रैक्टर और एक कोई पट्टे वाली मशीन जो होती है उसको बताया गया कि पकड़ा गया। जाँच चल रही है और जैसी होगी वही कार्रवाई की जाएगी।